अच्छा जी, आईएस कल वाली फिगर बताइएगा। ये कल मैंने बात की थी कि एसोसिएट में जितनी इन्वेस्टमेंट की थी, एसोसिएट में जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उसके बाद से जितने एसोसिएट के अदर रिजर्व्स में हमारा हिस्सा है वो यहां ऐड और यहां ऐड, और एसोसिएट की रिटेन अर्निंग में जितना हिस्सा है वो यहां ऐड और यहां ऐड। इसको इक्विटी मेथड कहते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि एसोसिएट की इक्विटी में आज हम इतने रुपए के मालिक हैं, तो ये इक्विटी मेथड होता है। इसके अलावा बाकी सारा सवाल सब्सिडी वाला ही है, सिर्फ ये एक एसोसिएट का काम है कि अदर रिजर्व में हिस्सा अपने अदर रिजर्व में शामिल किया और रिटेन अर्निंग में हिस्सा अपनी रिटेन अर्निंग में शामिल किया और ये दोनों इसमें शामिल कर दिए। ये मैंने कल आपको एक बेसिक सारी कहानी बताई थी। इस कहानी पे कोई इतराज परेशानी है तो बोले। पेज 448 पे आए, पेज 448 नहीं समझा नहीं, मैं एनसीआई में हम 30% ले रहे हैं। हाँ एस का 70% हमारे पास है, 30% एनसीआई के पास है, ए का 25% पी के पास है। अब बोले क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, ए कोई और कंपनी है, उस ए में से 25% पी के पास है, बाकी होंगे और बहुत सारे लोगों के पास, 25% पी के पास है। पेज 448 ये एसओएफपी विद वन एसोसिएट मैंने स्टार्ट ही किए हुए यहां से। एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ लें। यानी अगर P और A का आपस में पेबल रिसीवल है तो उसको लिमिटेड नहीं करना। क्यों लिमिटेड नहीं करना?
जब कंसोलिडेट ही नहीं कर रहे तो रिलेमिनेट क्यों करना है? तो एडजस्टमेंट 3 डन। पहले जरा आसान आसान समेट लें। पेज 450 पे आए। एडजस्टमेंट नंबर 8। एडजस्टमेंट नंबर 8 इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि अगर पी ने ए के प्रेफरेंस शेयर भी खरीदे हुए हैं, डिबेंचर भी खरीदे हुए हैं, यानी ए में और भी किसी तरह की इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसको भी हम इसी हेड में शामिल कर देंगे कि सब मिला के ए में हमारा इतना हिस्सा है, बजाय इसके कि उसको अलहदा से कहीं एसेट दिखाएं, उसको भी यहीं पर इसी के साथ ही मिला दें। ए में जो भी हमारा हक है वो हम सब एक जगह इकट्ठा कर देंगे। ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स तो है, और ये जो परसेंटेज होती है ये भी किसकी होती है? ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डिंग की ही होती है। अगर ए में कोई और भी हमारी इन्वेस्टमेंट है, प्रेफरेंस शेयर में भी पैसा लगाया हुआ है, डिबेंचर्स में भी पैसा लगाया हुआ है, वो भी हम यहीं पर ही शामिल कर लेंगे। अगर इसी सवाल के अंदर पी ने ए के डिबेंचर्स भी 5,000 रुपए के खरीदे होते तो वो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर 5,000 वो भी इसी में आ जाता, इसी वर्किंग में ही आ जाता। ये लिखा हुआ बस एडजस्टमेंट डेट में। हाँ लोन भी, वो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स लोन ही होता है, लोन दिया हुआ। ए ने डिबेंचर इशू किए, पब्लिक से लोन लिया, पी ने भी इसको लोन दे दिया तो डिबेंचर हो गए, अगर पी ने अलग से लोन दे दिया तो लोन हो गया, तो वो भी इसी के अंदर शामिल कर देंगे क्योंकि एलिमिनेट तो करना ही नहीं है हमने। अच्छा अब आप एडजस्टमेंट नंबर 9 देखें, ये क्या इंपैक्ट डालेगा? एडजस्टमेंट नंबर 9 पहला ही साल है, अभी 12 महीने भी नहीं पूरे गुजरे, तो सवाल में कहां क्या फर्क पड़ेगा ये चीज कैलकुलेट करने में? ये एस में भी यही किया था कि अगर आपको ये खुद कैलकुलेट करना पड़ जाए, ये एस में काम किया था। अगर तो एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग दे दी फिर तो ये एडजस्टमेंट 9 का कोई मकसद ही नहीं है। अगर नहीं दी, अगर इस साल की रिटेन अर्निंग है, पिछले साल की रिटेन अर्निंग है, 4 महीने पहले एक्वायर किया है, तो उस दिन की रिटेन अर्निंग तक पहुंचना पड़ेगा ना, यही बात यहां लिखी हुई। तो जो एस में एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर का इंपैक्ट था रिटेन अर्निंग्स तक पहुंचने में, वही यहां भी होगा, कोई नया नहीं है कुछ, वही है। चले अब समझाता हूं मैं वर्किंग 2 देखें। चले वर्किंग 2 ये जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है ये, यानी 24,000, हो सकता है ये इंपेयर हो गया हो, आपको इसका इंपेयरमेंट लॉस दिया हुआ हो सकता है। ये इंपेयर IAS 36 के मुताबिक नहीं होगा, लेकिन इसकी इंपेयरमेंट हो सकती है, फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स के मुताबिक हो सकती है। अगर इसकी इंपेयरमेंट हो गई हो, अगर आपको कहा हो कि इन्वेस्टमेंट इन ए 500 रुपए से इंपेयर हो गई है, तो क्या ट्रीटमेंट करें? इन्वेस्टमेंट में से लेस कर लें और रिटेन अर्निंग में से लेस कर लें। कहां? पी की रिटेन अर्निंग में से, क्योंकि पी ही की तो इन्वेस्टमेंट इंपेयर हुई है, ए का थोड़ी नुकसान है। अभी जब हमने कोई खर्चा एस को चार्ज करना होता था, जब एस को कोई खर्चा चार्ज करते थे तो इस कॉलम में लिखते थे, लेकिन अगर कोई खर्चा सिर्फ पी को चार्ज करना है तो इस कॉलम में, तो इंपेयरमेंट लॉस अगर पी की इन्वेस्टमेंट इन इंपेयर हो गई है तो ये वो गुडविल इंपेयर होना नहीं है, ये गुडविल नहीं इंपेयर, गुडविल है किधर? गुडविल नहीं इंपेयर हो रही, ये पी की एक इन्वेस्टमेंट इन ए नाम का एसेट इंपेयर हो रहा है, तो उसको हम चार्ज पी को ही करेंगे। तो अगर इंपेयरमेंट हो गई है तो यहां से लेस और पी की रिटेन अर्निंग से लेस। ये एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ लें। अच्छा चूंकि मिलती जुलती चीजें हैं तो इसलिए अगर आप ये उम्मीद करें कि जिस तरह उस पर 12 दिन लगाए हैं तो इनमें भी फिर से 12 दिन लगाएंगे, तो नहीं, ये वही चीजें ही हैं, उसी को अप्लाई करके दे रहा हूं। एडजस्टमेंट 2 ओके। कल वाले सवाल की फिगर्स लेके मैं काम कर रहा हूं और आप वो काम करेंगे बिल्कुल, और अगर डाटा ना हुआ तो नहीं करेंगे। एक दो सवालों में ऐसा है कि डाटा नहीं है। एस की गुडविल तो निकालनी ही है जैसे पहले निकालते हैं, आप ए की गुडविल भी निकालेंगे, ए की गुडविल भी निकालेंगे। हमने ए के शेयर्स कितने के खरीदे थे? 16,000 के।
उस वक्त ए की इक्विटी कितनी थी? अदर रिजर्व एक्विजिशन डेट पे जब ए में शेयर खरीदे थे तब की बात कर रहा हूं 2000। रिटेन अर्निंग कितनी थी? 2000। तो जरूर करेंगे एसोसिएट में वर्किंग गुडविल की करेंगे जरूर, वही जो गुडविल की वर्किंग कर रहे होंगे ना एस बी कर देंगे साथ ए भी कर देंगे। अगर तो गुडविल पॉजिटिव आ रही है तो बस अच्छी बात है, खुशी की बात है। हम बैलेंस शीट में क्या ए के एसेट्स मिला के कंसोलिडेट करने लगे? तो जब ए के अलग अलग एसेट्स कंसोलिडेट नहीं करने लगे तो इस गुडविल को भी अलग से नहीं दिखाना। पॉजिटिव है बस ठीक है, शुक्र अदा किया और उसको बस छोड़ दिया। 16000 के अंदर ही शामिल है ये 4250 से 16 में शामिल है तो बस है। गुडविल की वर्किंग जरूर करेंगे, अगर पॉजिटिव निकली तो बस यही छोड़ देंगे इस वर्किंग को और फिर कुछ नहीं करेंगे। हम कौन सा ए के सारे एसेट्स एक एक करके कंसोलिडेट कर रहे हैं, जिस तरह एस के थे जो पेरेंट ने एस में पैसा लगाया था उसके अंदर भी तो गुडविल शामिल ही थी ना कि नहीं थी, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट खत्म करके एस के एक एक एसेट्स करके सारे बैलेंस शीट में लिए थे तो गुडविल भी ले आए थे। यहां पर गुडविल है लेकिन हम 16 को 16 ही रखे हुए हैं, हम इसको खत्म करके ए के एसेट्स कंसोलिडेट नहीं कर रहे। जब ए के एसेट्स को अपनी बैलेंस शीट में नहीं ला रहे तो फिर गुडविल को भी अलग से नहीं लाएंगे, तो इसको 16 में शामिल रहने देंगे। लेकिन अगर आंसर आ जाता नेगेटिव, अगर यहां पर हमने इन्वेस्ट 10 किया होता तो आंसर आ जाता 1750 नेगेटिव। क्यों नेगेटिव गुडविल आ रही है? नहीं, क्यों आई नेगेटिव गुडविल? नेगेटिव गुडविल आती क्यों है? क्यों कैलकुलेशन का रिजल्ट नेगेटिव गुडविल निकलता है? कि हम कुछ चीज सस्ते में खरीद लेते हैं। अब ये जो हम सस्ते में खरीदते हैं ना, ये हमारा क्या कहेंगे कमाल है, ये हमारी निगोशिएशन स्किल है कि हमने कोई चीज सस्ते में खरीद ली। हमारे वो चीज सस्ते में खरीदने से वो चीज घटिया नहीं हो गई, वो चीज है वर्थ वाली, बस हमने पैसे थोड़े दिए हैं। तो हमने एक अच्छी चीज सस्ते में खरीद ली, अगर बेकार चीज होती तो हम खरीदते ही क्यों? तो चीज वो सही है लेकिन हम सस्ते में खरीद रहे हैं। अच्छा, हमारे सस्ता खरीद लेने से हमारी ए में ए की इक्विटी में हक कम हो गया, तो हमारे इस सस्ता खरीदने का मतलब है ये फिगर कम है। ये बात दोबारा सुने, अगर हम गुडविल की वर्किंग करें और उसका आंसर पॉजिटिव निकल आए तो सब ठीक है, हमने पैसे दिए तो दिए ज्यादा, जो इन्वेस्टमेंट है वो रहने दें। लेकिन अगर ये आंसर नेगेटिव निकल आए तो इसका मतलब है हमने ए के 25% शेयर सस्ते में खरीद लिए। अब अगर ये सस्ते में खरीदे हैं तो ये फिगर कम आ रही है ना, ये एक लो फिगर है, तभी तो नेगेटिव गुडविल आई है। तो चीज सस्ते में खरीद लेने से क्या ए की इक्विटी में हमारा हक कम हो गया? नहीं, हमने सस्ते में चीज खरीदी जरूर है, हमारा स्किल है, वो चीज अच्छी ही थी। नेगेटिव का मतलब है ये एक लोअर फिगर आ रही है, एक अंडरस्टेटेड फिगर कह लें। अगर ये 16 की जगह मैं 10 लिखूं तो हम इन्वेस्टमेंट इन ए जो कि अपना हक शो कर रहे हैं ए में, वो एक लो फिगर शो कर रहे हैं, तो ये फेयर पिक्चर नहीं है। ये हमारा एक फायदा जरूर है लेकिन हम इसकी वजह से अपना एक एसेट लो शो नहीं कर देंगे। हमने सस्ते में खरीदा है लेकिन हम इसको लो शो नहीं कर देंगे। अगर नेगेटिव गुडविल आ रही है तो ये एक लोअर फिगर है ना। अगर 10,000 को यहां लिखा तो हमारी इन्वेस्टमेंट इन ए की फिगर एक लोअर फिगर हो गई, तो ये सही नहीं है। तो इसलिए इसको वापस ऊपर बढ़ा के लिखेंगे। कैसे बढ़ा के लिखेंगे? इसको बना लेंगे अपनी इनकम, 1750 को अपनी इनकम बना लेंगे और 1750 हम यहां पर ऐड कर देंगे। दोबारा सुनिए, ये जो इक्विटी थी उस वक्त, उस इक्विटी की वैल्यू बनती तो 11750 थी ना। हम 10,000 रुपए दे के इतने के मालिक बन गए, तो हमने पैसे कम दिए हैं लेकिन मालिक तो इतने के बन गए, हमारा ए में हक तो इतना ही है। तो ये तो हमारा स्किल था कि हमने पैसे कम दे दिए, तो हम इस फायदे का, ये जो हमने फायदा उठाया, अपना एसेट क्यों सस्ता शो कर दें? तो इसलिए एसेट को हम पूरा शो करने के लिए 1750 यहां ऐड कर देंगे और इस 1750 को अपनी इनकम बना लेंगे। हम कौन? पी। तो 1750 यहां ऐड और
और पी की रिटेन अर्निंग में आ रहा है। नहीं, वो तो मिसाल बदल दी ना मैंने, मिसाल बदल गई ना। मैंने कहा 16 की जगह 10 होती, तो मैंने मिसाल बदल दी, तो फिर ऊपर तो 10 ही आएगा क्योंकि ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट तो 10 है, तो वो 10 लेकिन हम उसको बढ़ाएंगे। मैंने 16 की फिगर बदल दी थी, मिसाल बदल दी थी मैंने कि अगर 16 नहीं 10,000 दिए होते तो ऊपर तो 10 ही आ रहे होते। तो हम गुडविल की वर्किंग जरूर करेंगे, आंसर पॉजिटिव आया तो बस ठीक है, अब लिख लिए वर्किंग मिटाएंगे तो नहीं, लेकिन अगर नेगेटिव आंसर आया तो ये नेगेटिव गुडविल है, इन्वेस्टमेंट इन ए में ऐड होगी और पी की रिटेन अर्निंग्स में ऐड होगी। ये मैंने आपको एडजस्टमेंट नंबर 7 बता दिए जी। दो कंपनीज को कंसोलिडेट कर रहे हो, जब पी और एस थी बस। अच्छा, अब एस के ऊपर आप कह रहे हैं नेगेटिव गुडविल आ गई, तो हाँ क्योंकि हम उसके पूरे पूरे एसेट्स कंसोलिडेट कर रहे होते थे, यानी एस की जो हमने चीज सस्ता, हमने एक्चुअली उसके नेट एसेट्स खरीदे, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज, तो हम उसके एसेट्स लायबिलिटीज पूरी फिगर पे ला रहे होते थे। हाँ जी, एडजस्टमेंट 7 डन। एनसीआई का इससे क्या ताल्लुक है? ये तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जिस तरह हम एनसीआई प्रोपोर्शनल शेयर पे सॉल्व करते थे, इसके और टोटल परसेंटेज लगा के, यहां मैंने ये चीज बताई है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा हुआ ना कि जिस तरह एनसीआई की प्रोपोर्शनल शेयर वाले तरीके से गुडविल कैलकुलेट करते थे, वैसे कैलकुलेट करनी है। ये मैंने सिर्फ ये बात बतानी थी आपको कि ए के नेट एसेट्स लिखें, उस पर अपनी परसेंटेज लगा दें, बस ये बात बताना चाह रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इस सवाल में कंपनी की पॉलिसी एनसीआई फेयर वैल्यू पे हो तो ये भी बदल जाएगा। है, बदल जाएगा? नहीं यार, ये कंपनी ए की कैलकुलेशन हो रही है। अगर हम कंपनी एस को कंसोलिडेट कर रहे हैं और एनसीआई की वर्किंग कर रहे हैं और वो फेयर वैल्यू मेथड पे है, तो ये भी बदल जाएगा? नहीं, ये इसका ताल्लुक ही नहीं है। मैंने सिर्फ ये पहली लाइन ये समझाने के लिए लिखी थी कि इसके परसेंटेज लगा के आउटर कॉलम में लिखना है। एडजस्टमेंट 7 ठीक है, डन। एडजस्टमेंट 5A, एडजस्टमेंट 5A, एस में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्या करते थे? अगर एसेट की वैल्यू को बढ़ानी है, गुडविल की वर्किंग में कहां ऐड? नेट एसेट्स में ऐड और रेलेवेंट एसेट में ऐड। जरूरी नहीं पीपी, रेलेवेंट इंटेंजिबल एसेट भी हो सकता है। गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट में ऐड और रेलेवेंट एसेट में ऐड, और अगर डाउनवर्ड है एसेट तो यहां से लेस और रेलेवेंट एसेट से लेस, लायबिलिटी से उलट थी। और अगर वो आज हमारी बुक्स में नहीं है तो यहां से तो ऐड करते ही थे, एस की रिटेन अर्निंग से लेस कर देते थे। अब अगर ए के भी कुछ एसेट्स है, अच्छा ये यहां पर क्यों ऐड करते थे? ताकि सही गुडविल निकल आए। तो हमें ए की भी तो सही गुडविल जाननी है, तो ए के ऊपर भी एसेट्स लायबिलिटीज पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हो सकती है। यहां तो लिखेंगे अगर ए की एक बिल्डिंग की फेयर वैल्यू 4,000 ज्यादा है तो यहां लिखेंगे 4,000 और उसको रेलिवेंट एसेट में ऐड कर देंगे। नहीं, क्योंकि हम तो कंसोलिडेट ही नहीं कर रहे, तो इसलिए बस सिर्फ यहां लिखेंगे क्योंकि हम गुडविल देखना चाह रहे हैं, दैट्स इट। हम कोई ए को पूरा कंसोलिडेट नहीं कर रहे, हम सिर्फ गुडविल देखना चाह रहे हैं। वहां पर क्यों डबल हमें करना पड़ता था इफेक्ट? क्योंकि उसके एसेट्स कंसोलिडेट करते थे, डबल इफेक्ट देंगे तो बैलेंस शीट टैली होगी। यहां पर हम जस्ट गुडविल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अगर वो गुडविल पॉजिटिव निकली तो कुछ भी नहीं करेंगे हम, बैलेंस शीट स्टिल टैली, और अगर नेगेटिव निकली तो वही फिगर यहां भी ऐड करेंगे, वही फिगर यहां भी ऐड करेंगे, बैलेंस शीट फिर टैली। हम ये जस्ट एक वर्किंग कर रहे हैं। अगर इस वर्किंग का नतीजा पॉजिटिव गुडविल निकला तो हम कुछ करने ही नहीं लगे, तो जब कुछ करने ही नहीं लगे तो बैलेंस शीट टैली। और अगर नेगेटिव आंसर निकल आया तो जो नेगेटिव गुडविल का आंसर निकला उसी फिगर को यहां ऐड, उसी फिगर को यहां ऐड, फिर बैलेंस शीट टैली। तो इसलिए अब यहां पर बैलेंस शीट टैली करना इशू नहीं था, बस गुडविल की फिगर जानना मसला था। तो इसलिए अगर ए के एसेट्स और लायबिलिटीज पे
फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई तो बिल्कुल एस की तरह ही होगी, लेकिन सिर्फ गुडविल की वर्किंग में, बस और कहीं नहीं। ये 5A बताया है। वो बी में बताऊंगा। जी जी पिछला क्वेश्चन कौन सा जो कल की है, तो कर दी ना मैंने आज। हाँ हाँ करनी है। अच्छा ये सवाल ये है कि जब मैंने कल आपको ये एग्जांपल कराई थी और खत्म करा के बैलेंस शीट टैली करके चला गया था, तो वर्किंग कल क्यों नहीं की थी? क्योंकि मुझे खुद, मैंने सवाल खुद बनाया था, मुझे पता था कि इसमें मैंने पॉजिटिव गुडविल रखी हुई है। मैंने उसकी खुद ही बनाया था सवाल, मुझे पता था मैंने इसमें पॉजिटिव गुडविल रखी हुई है। तो अगर पॉजिटिव गुडविल है तो क्या एडजस्टमेंट करनी है? कुछ भी नहीं ना, मैंने इसके कल ये की नहीं थी, वरना करनी है। आप ये चेक करेंगे कि पॉजिटिव गुडविल है कि नेगेटिव गुडविल है। अगर पॉजिटिव गुडविल है तो बस इसका काम खत्म, अगर नेगेटिव है तो वहां भी ऐड और वहां भी ऐड। एडजस्टमेंट 5A। चलिए 5B समझाता हूं। अगर हम गुडविल की वर्किंग के लिए ही सही, लेकिन ये बात मान रहे हैं कि ए की बिल्डिंग कैरिंग अमाउंट से 4000 ज्यादा वर्थ की थी, ये बात मान रहे हैं तो यहां लिख रहे हैं ना, तो यहां तो लिखेंगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट बिल्डिंग की 4000 और रेलिवेंट एसेट में ऐड नहीं। यहां सिर्फ लिखा गुडविल निकालने के लिए, लिख लिया, लेकिन यहां लिखने का मतलब है कि हम मान रहे हैं कि ए की बिल्डिंग बुक्स में कम थी, असल में ज्यादा है। तो जब मान रहे हैं कि असल में ज्यादा है तो फिर डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होनी चाहिए, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन की हम करेंगे एडजस्टमेंट। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की एस में क्या एडजस्टमेंट करते थे? एस की रिटेन अर्निंग में से लेस और रेलिवेंट एसेट में से लेस। तो यहां पर हम ए की रिटेन अर्निंग से तो लेस करेंगे, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन इसकी हो गई लेट से 800। और दूसरा पॉइंट कुछ भी नहीं, तो ये तो बैलेंस शीट आउट नहीं हुई, नहीं हुई आउट। इसका आंसर क्या बना? इक्कीस 25% लगाए 50, ये होने लगी है बैलेंस शीट टैली। 53 यहां और 53 वहां हो गई बैलेंस शीट टैली। हम पूरे ए को कंसोलिडेट तो नहीं कर रहे, हम इसका जो आंसर है उसी को यहां और उसी को यहां लिख रहे हैं। क्या इतराज है? तो अगर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है ए के एसेट्स पे, गुडविल की वर्किंग में वो कंसिडर होगी जस्ट एक कैलकुलेशन के अंदर। इस 4000 का कोई दूसरा फैक्ट नहीं है, क्योंकि दूसरे फैक्ट की बात तो तब होती जब ए के पूरे पूरे एसेट्स लायबिलिटीज कंसोलिडेट हो रहे होते। हम तो अपनी वर्किंग्स के आंसर के साथ ही कुछ शुरू करेंगे तो करेंगे। यहां लिखेंगे आंसर पॉजिटिव आया वर्किंग खत्म, नेगेटिव आया तो नेगेटिव गुडविल इधर ऐड इधर ऐड। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है उस पे एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी होगी, उस पे एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ए की रिटेन अर्निंग से लेस। अब जो इसका हिस्सा बनेगा वही हिस्सा यहां ऐड, वही हिस्सा यहां ऐड। ये एडजस्टमेंट 5B बताइए। फोर और सिक्स रह गई है ना? हाँ अच्छा ठीक है, 1, 4 और 6 सवाल लिखे जी। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की अगर, तो उस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पे एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी तो करते थे ना इसमें, वही वैसे ही करेंगे, कर ली कैलकुलेट। अब जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का आंसर आया है वो हम जिस तरह एस पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन थी उसको कहाँ कहाँ क्या क्या लिखते थे,
एस की रिटेन अर्निंग से लेस और बैलेंस शीट में रेलिवेंट एसेट में से लेस। अब हम ए की रिटेन अर्निंग में से तो लेस करेंगे, ए के क्या कोई एसेट्स कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो फिर वहां से कहीं लेस नहीं होगा, सिर्फ यहीं से लेस होगा, सिर्फ इधर इनर कॉलम से लेस होगा बस। अच्छा जी सवाल लिखिए, पी एक्वायर्ड 40% शेयर्स ऑफ ए, 40% शेयर्स ऑफ ए फॉर 19,500 19,500 3 years ago सम की जगह 3 years ago when carrying amount of net assets, when carrying amount of net assets of A was 50,000 rupees. और इसी के साथ 50,000 के साथ ब्रैकेट में लिखें, ये जो कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स बताया मैंने, ये क्या चीज बताइए, ये बताया क्योंकि ये उनकी बुक्स में से उठाई हुई वैल्यूज होती है ना, ये बताया मैंने, तो चूंकि वो मैंने वो कैलकुलेशन भी करानी है, इसकी ब्रैकेट में लिखें कंप्राइजिंग ऑफ ये जो 50,000 है ये क्या है वो ब्रैकेट में बता रहा हूं, कंप्राइजिंग ऑफ शेयर कैपिटल 40,000 एंड रिटेन अर्निंग्स 10,000 शेयर कैपिटल 40,000 और रिटेन अर्निंग्स 10,000 ये इस तरह से 50 बना था। At that date, fair value of an office building of A, fair value of an office building of A exceeded the carrying amount by 5,000 rupees. Remaining life of that building was 10 years. ये सारा डाटा हो गया उस दिन का जिस दिन खरीदे थे शेयर्स। अब आज ईयर एंड पे जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, रिटेन अर्निंग ऑफ ए है एट करंट ईयर एंड, रिटेन अर्निंग्स ऑफ ए 24,000 है, 24,000 आपसे रिक्वायर्ड है ये इन्वेस्टमेंट इन ए और रिटेन अर्निंग का ये पोर्शन, इन्वेस्टमेंट इन ए रिक्वायर्ड है और ये पोर्शन रिक्वायर्ड है, रिटेन अर्निंग की वर्किंग में ये जो पोर्शन करते ये रिक्वायर्ड है आपसे और इन्वेस्टमेंट इन ए की पूरी फिगर रिक्वायर्ड है। हाँ हाँ आपसे ना, आपने पास करना ना, मैं तो क्वालिफाइड हूं, ये रिक्वायर्ड है इन्वेस्टमेंट इन ए और रिटेन अर्निंग की वर्किंग का ये पोर्शन रिक्वायर्ड है।
हाँ जी, इतनी देर का तो सवाल नहीं है यार। पीने कितने पैसे लगाए? 40, 10, 5। ₹2500 नेगेटिव गुडविल। यहाँ 19500 नेगेटिव गुडविल ऐड कर देते हैं। 2500 और मैंने मांगा तो आपसे ये पोर्शन था, लेकिन असल में मैं कहना चाह रहा था कि जो जो रिटेनर नहीं कर रेलेवेंट पोर्शन, उस दिन रिटेन अर्निंग कितनी थी? 12500, 5000 और नेगेटिव गुडविल 75 करने की जरूरत नहीं है, ये 5000 इधर आ जाएगा और ये 2500 इधर। अच्छा, अगर आप इस चीज को हैंडल कर सकें, मैंने पीछे फॉर्मेट ऐसे ही किया हुआ है, अगर हैंडल कर सकें तो शेयर लगा के कितना बना? ये क्या बना था? 5000। ये शेयर बन गया, इसमें नेगेटिव गुडविल ऐड हो गई 2500, कितना बन गया? ये 75 यहाँ लिख लें और ये 75 यहाँ लिख लें और ये ना लिखें, दोनों में से जो आपको इजी लगे। मैं दोनों दोबारा बता रहा हूँ, या तो सारी चीजें अलग अलग रखें, जो एडजस्टमेंट्स बता रहा हूँ, नेगेटिव गुडविल आई, नेगेटिव गुडविल यहाँ लिखें, नेगेटिव गुडविल यहाँ लिखें, ये 40% लगा के 5000 यहाँ लिखें, 5000 यहाँ लिखें, और अगर मिला के करना चाहें तो भी ठीक है, इस पे शेयर लगा लें, नेगेटिव गुडविल इसके साथ ही मिला लें, 7.5 यहाँ लिख लें, 7.5 यहाँ लिख लें, ये दो अलग अलग तरीके बताएं। आप इसी के साथ एक ही बार मिला लें, क्योंकि यहाँ भी लिखना था, यहाँ भी लिखना था, तो आप इसी के साथ 2.5 मिला के 7.5 यहाँ लिख लें, 7.5 यहाँ लिख लें, चाहे ऐसे कर लें। क्या कर दिया ना मैंने? जी जी, मैं यही बता रहा हूँ ना कि आप ये दो तरह से जो आसान लगे वो कर लें। एक बात मैंने ये बताई
कि नेगेटिव गुडविल यहां ऐड और इधर ऐड, फिर यहां वाला 5000 यहां लिखें और यहां लिख लें, एक ये प्रेजेंटेशन हो गई। नेगेटिव गुडविल अलग, रिटेन अर्निंग अलग, नेगेटिव गुडविल अलग, 5000 अलग, चाहे ऐसे कर लें और चाहे ऐसे कर लें कि यहां ना लिखें अलग से नेगेटिव गुडविल, इस पर पहले रेट लगा के 5000 निकाल लें, उसमें 2500 ऐड कर लें, वही 7500 यहां भी लिख लें यहां भी लिख लें, दोनों में से जो आपको बेहतर लगे। हाँ जी, अलग अलग रख लें उससे ज्यादा आसानी है, क्योंकि यूआरपी पढ़ाऊंगा तो उसमें से एक वहां लेस करना होगा, दूसरा नहीं करना होगा, तो इसलिए अलग अलग रख लें ज्यादा आसानी। अलग अलग से मेरी मुराद ये है कि ये 5 यहां आ गया और एड नेगेटिव गुडविल अलग से आ गया, अच्छा किसी को लग रहा है कि यहां क्यों उधर क्यों नहीं, वो खैर है आउटर कॉलम ना, इधर यहां करना है, यहां करना है, यहां करना है, यहां करना है। मैं फाइनली रिकमेंड कर रहा हूं कि आप अलग अलग कर लें, मैंने पीछे वर्किंग के फॉर्मेट में तो इनको इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन आप अलग कर लें, इसके ऊपर परसेंटेज लगा के इधर ले जाए, यहां लिखें और यहां लिखें 5, और नेगेटिव गुडविल यहां लिखें और यहां लिखें। ये फाइनल वर्डिंग है, कंफ्यूज नहीं करता, बस ये फाइनल वर्डिंग है। वर्किंग की नेगेटिव गुडविल आंसर आया यहां लिख दें, यहां लिख दें। रिटेन अर्निंग की इनर कॉलम में वर्किंग करें, जो आंसर आया यहां लिख दें, यहां लिख दें। क्या जी, क्या कैसे दो दफा जा रहा है, कैसे वहां लिख के यहां कैसे हुआ, ठीक है। हाँ, मैंने यहां इसको 2500 लिख दिया, अब यहां लिखने से वहां दोबारा कैसे आ गया, 2500 इधर आ गया, 2500 इधर आ गया, बस इन्वेस्टमेंट डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट किस अमाउंट से। अच्छा, मैंने ना दो तरीके बता के गलती कर दी, पिछले 5 मिनट 7 मिनट डिलीट, अभी मेमोरी कार्ड से निकाले डिलीट, सर मारे दीवार पे। ये कैलकुलेट किया आज की रिटेन अर्निंग, प्री एक्विजिशन माइनस एक्स्ट्रा डेप्शन, इसमें से ज्यादा कुछ नहीं आना, इसमें ये 3 ही रहने, इससे ज्यादा कुछ नहीं आना इसके अंदर। ये 3 लाइनें लिख के शेयर लगाया, वो शेयर इधर लिख लें, वही यहां लिख लें, कोई 7500 नहीं है, 5000 हो गया। नेगेटिव गुडविल यहां लिख लें, यहां लिख लें, 7500 कहीं नहीं लिखा हुआ। ये अभी तक की जो एडजस्टमेंट बताई थी ये उसका सवाल हो गया, ठीक है, चले आगे। एडजस्टमेंट नंबर 4 एडजस्टमेंट 4 अगर पी ने ए को गुड्स बेची हैं, बल्कि नहीं पहले ए बेच ले, अगर ए ने पी को गुड्स बेची हैं, ए ने बेची हैं पी को गुड्स, और वो गुड्स पी की इन्वेंट्री में आ रही होंगी और उन पे आपका कमाया हुआ प्रॉफिट ए की रिटेन अर्निंग्स में आ रहा होगा। अगर जो गुड्स बेची थी उन पे प्रॉफिट कमाया था 5000 और 30% चीजें अब भी स्टॉक में हैं, तो 1500 हो गया यूआरपी, जो पुराना तरीका पड़ा है कि जितना प्रॉफिट कमाया था कितनी चीजें बची रह गई, तो ये यूआरपी हो गया। अगर सेलर एस होता तो एस ने इस ट्रांजेक्शन पे पूरा 5000 कमाया था, उसमें कितना शामिल है यूआरपी, 1500, वो 5000 इसके अंदर आ रहा होता, इनफैक्ट 1500 इसके अंदर आ रहा होता, उसका 70% लगा के इधर हो जाता और 30% लगा के एनसीआई में हो जाता, यानी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरा 1500 मौजूद है। अगर एस ने बेचा होता, अभी मैंने ए लिखा है वैसे कह रहा हूं, अगर एस ने बेचा होता तो ये जो 1500 का यूआरपी है ये एस की रिटेन अर्निंग्स में होता ना, और बेशक हम उन एस की पूरी रिटेन अर्निंग नहीं ले रहे, 70% ले रहे हैं, लेकिन बाकी 30% एनसीआई तो बुक्स में मौजूद है ना, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद है 1500, इसलिए क्या ट्रीटमेंट करते थे इस 1500 की,
इसमें से निकाल लेते थे पूरा 1500। इसी तरह अगर पी सेलर है, अगर पी ने एस को बेचा होता, पी ने एस को बेचा होता तो 1500 पी की रिटेन अर्निंग में आ रहा होता, पी की रिटेन अर्निंग से 1500 निकाल देते। तो चाहे पी सेलर हो चाहे एस सेलर हो, चूंकि उनके पूरे पूरे प्रॉफिट्स मौजूद हैं इस वक्त एसओएफपी के अंदर। कैसे मौजूद है? पी का तो है ही है, एस का 70% यहां है, 30% एनसीए में, तो एसओएफपी के अंदर मौजूद है, एसओएफपी की इक्विटी के अंदर मौजूद है पूरा 1500, इसलिए पूरा 1500 माइनस होता था। लेकिन अगर ए सेलर है तो ए ने जो 1500 कमाया हुआ है हमने तो इधर लाए ही इसका 40% है। हम अपनी ए की रिटेन अर्निंग की वर्किंग करने के बाद जो आंसर आया उसका 40% हम यहां लाए हैं, अपने ग्रुप एसओएफपी में लाए ही उसका 40% है। नहीं समझ आ रहा? पक्की बात है? पी और एस की जब आपस की बात थी तो जो उनपे पुराने तरीके से यूआरपी था वो पूरा का पूरा प्रॉफिट एसओएफपी के अंदर ही कहीं ना कहीं मौजूद था, इक्विटी के अंदर मौजूद था। पी ने कमाया हुआ था तो पूरा का पूरा 1500 यहां मौजूद था। अगर एस ने कमाया था तो 70% इसमें शामिल था, 30% एनसीआई में शामिल था। एसओएफपी इक्विटी के अंदर पूरा 1500 मौजूद था, इसलिए हम पूरे 1500 को माइनस करते थे। अब अगर ए ने कमाया होगा तो बजाहिर यूआरपी तो 1500 रुपए का है, ये 1500 इनमें कहीं शामिल है, लेकिन हमने ये तो बस एक वर्किंग की, ग्रुप एसओएफपी में लाए ही क्या, इसका 40%, यानी इस 1500 का पूरा पूरा इफेक्ट रिटेन अर्निंग में नहीं आ सका। कितना आया? सिर्फ 40%। कितना बना? 600। तो बाकी 60 कहीं और है एसओएफपी के अंदर। वो एस था कि जिसका 70 इधर था तो 30 एनसीआई में था, ये तो हम लाए ही 40% लगा के, इधर ऐड और इधर ऐड, हमारी एसओएफपी में आया ही सिर्फ 1500 की जगह 600 है। तो एलिमिनेट भी क्या करेंगे? सिर्फ 600, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते एलिमिनेट। ए की रिटेन अर्निंग सारी की सारी ग्रुप के इक्विटी में मौजूद है, ए की सारी रिटेन अर्निंग ग्रुप इक्विटी में मौजूद है, सिर्फ 40% है ना, तो हम इस 1500 को नहीं कर सकते एडजस्ट, हम एडजस्ट भी सिर्फ 600 को करेंगे। 600 में ये बोल रहा हूं कि पी ने जो एस पी ने जो ए में 40% इन्वेस्ट किया हुआ, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते एडजस्टमेंट, तो इस 600 की क्या एडजस्टमेंट करें? पी के पास पड़ी नहीं है गुड्स, पी की इन्वेंट्री में से माइनस और ए की रिटेन अर्निंग में से माइनस। अगर यहां माइनस कर दिया, अगर आपने यहां माइनस कर दिया 600 तो दोबारा 40 लग जाएगा, इसलिए इधर अंदर माइनस नहीं करना, डायरेक्टली यही माइनस करना है। अगर आपने यहां माइनस किया तो 600 करेंगे कि 1500 करेंगे? तो अगर आपने यहां 1500 लिख दिया तो आप इन्वेंट्री में से 1500 कर जाएंगे, इसलिए इन्वेंट्री में से तो 1500 नहीं करना, 600 करना है। अगर वहां आपने 600 माइनस किया तो आप यहां भी 600 लिख जाएंगे, इसलिए आप यूआरपी पुराने तरीके से कैलकुलेट करके उस पर पी की परसेंटेज होल्डिंग लगा के जो आंसर आए यहां से लेस और पी की इन्वेंट्री से लेस, यहां से नहीं इधर आउटर, यहां से लेस, यहां से लेस और पी की इन्वेंट्री से लेस। इतना आदम हो गया पी टू ए बताने लगा हूं, चले डिकार लेने पहले मैं बताता हूं। अच्छा इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मतलब क्या लिख रहे हैं? ये मैंने आपको एडजस्टमेंट नंबर 4 बताई है और 4 में जो कुछ लिखा हुआ है मैंने उसमें से आपको राइट कॉलम बता दिया, आप उसको पढ़ लें फिर देख लें मदीद क्या लिखना है। एडजस्टमेंट 4 पढ़ लें और उस 4 में मैंने राइट कॉलम बता दिया आपको, अब ये पढ़ लें एक बार, उसके बाद आप ये 1500-600 वाली बात लिखना चाहें तो जरूर लिखें अपने लिए कि 1500 माइनस नहीं करना, 600 करना है और वो इधर से माइनस नहीं करना, इधर से करना है, ये कुछ लिखना चाहें तो जरूर लिखें अपने लिए।
कहाँ पर, क्या रीजन बताइए? पंद्रह सौ वहां लिख दें। अगर आप 1500 इधर अंदर लेस कर देंगे तो आप 1500 लिख रहे होंगे, तो आप इन्वेंट्री से भी 1500 लेस कर देंगे, क्योंकि हम ग्रुप में से इफेक्टिवली बस 600 ही लेस कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री से भी 600 ही लेस होना चाहिए। इसलिए आप 1500 का फिगर ही लिखें, आप फिगर ही 600 का लिखें। हम सेलर की रिटेन अर्निंग से लेस कर रहे होते हैं, तो हमें यहीं से 1500 लेस करना चाहिए ना, ये कह रही हैं आप। अगर हम यहाँ से 1500 लेस करेंगे तो 40% शेयर लगने के बाद जो आंसर यहाँ आके ऐड होगा, तो यहाँ लिखी हुई फिगर में से इफेक्टिवली कितना लेस हुआ होगा? 600 के 1500, ये 12500 पूरा यहाँ लिख दिया, 40% लिखा है ना, तो जो कुछ ऊपर था उसका भी तो कट कट आके 40% ही आया। अगर ऊपर 1500 माइनस कर दें जरूर कर दें, जो इधर आंसर आया उसमें से 1500 नहीं 600 माइनस हुआ है, इसलिए पी की इन्वेंट्री से भी 600 माइनस होना चाहिए। अगर आप ये समझते पूछते पी में से 600 माइनस करें और यहां से 1500 माइनस करें कर दें, लेकिन सवाल करते हुए स्टूडेंट से मुझे उम्मीद है गलती करने की, कि वो यहां से जब लेस यूआरपी 1500 लिखेगा तो फिर वो इन्वेंट्री से भी 1500 ही माइनस कर जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि आप यहां 1500 ना लिखें, आप ए URP ही 600 कैलकुलेट करें, 1500 कैलकुलेट ही ना करें, आप यहीं पर ही 40% लगा के कैलकुलेशन ही 600 की करें। अब इसी 600 को याद रख लें, अगर A टू P है तो P की इन्वेंट्री से लेस और यहां से लेस, याद रखना आसान हो जाएगा। उसमें 5000 ही आएंगे, क्योंकि अगर उसमें हम लोग 44 ले गए तो हम इस 600 को तीन इफेक्ट ले गए, रिटेन अर्निंग से भी लेस हो गया, इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई, इन्वेंट्री भी कम हो गई, इसलिए यहां 5000 आएगा। यही मतलब है अलग लिखने का, इन्वेस्टमेंट ने में 5 लिखना है। यार को मजा नहीं आ रहा है शक्लें देख के, आप पी टू ए बताऊं? कौन सी? ये सारा कुछ वहां ले जाए, समझ नहीं आया मुझे, वही कह रहा हूं ना कि आप इसका नेट आंसर निकालें 6900 और यहां 6900 लिख दें, ये कह रहे हैं आप। अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये 600 रुपए रिटेन अर्निंग से भी माइनस हो गया, एक इफेक्ट, इन्वेस्टमेंट इन एमए से भी माइनस हो गया दूसरा इफेक्ट, और पी की इन्वेंट्री से भी माइनस हो गया तीसरा इफेक्ट कर देंगे आप। तो इसलिए इन सबको अलग अलग रखें ताकि अलग अलग जगह याद रहे कि एक यहां प्लस और दूसरा वहां प्लस, एक यहां माइनस दूसरा वहां माइनस, तो इसलिए इनको अलग अलग ही चलाएं। इसके अंदर ये तीन फिगर्स ही रहेंगे, इससे नहीं बढ़नी है, आज की अर्निंग, कल की अर्निंग, एक्स्ट्रा डिविडेंड, इसके ऊपर शेयर लगाया आउटर कॉलम में ले आए यहां पर और यहां पर, उसके अलावा जो भी एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं अलग अलग लाइनें लिखें ताकि अकॉर्डिंगली इनका दूसरा इफेक्ट भी आप अलग अलग चला सकें। पी की इन्वेंट्री से क्यों माइनस किया? क्योंकि उसकी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ, सही है ना? और यहां से क्यों माइनस किया? क्योंकि ए के प्रॉफिट्स में आ रहा है। लेकिन 1500 क्यों माइनस नहीं किया? क्योंकि ए की रिटेन अर्निंग्स पूरी की पूरी ग्रुप इक्विटी में नहीं है,
सिर्फ 40% है, इसलिए यूआरपी भी सिर्फ हमने 40% ही डील किया। अगर होता P2A, अच्छा मैं आपको ना समझा तो सारी चीजें रहा ही हूं, वरना अगर नहीं भी समझ आ रही, जो करना है वो करना वैसे ही है, 600 रुपए को यहां से लेस करना है, 600 रुपए को PK90 से लेस करना है, करना तो ऐसे ही है। अगर पीने को बेचा होता तो पी की अर्निंग्स में आ रहा है और एक इन्वेंट्री में आ रहा है और एक इन्वेंट्री भी आ रही है। अगर पीने एक को बेचा है तो ए के पास जो चीजें पड़ी रह गई तो ए की इन्वेंट्री तुम कंसोलिडेट ही नहीं कर रहे, तो फिर अब क्या करें? इसका एक गहरा आंसर है, एक उससे थोड़ा हल्का आंसर है, और एक बिल्कुल टू दी पॉइंट, करना क्या है? पहले गहरा वाला सुने, पहले गहरा वाला। पी ने कमाया, पी ने जो कमाया है वो पी की अर्निंग में शामिल है और ए की इन्वेंट्री में शामिल है। ए की इन्वेंट्री में शामिल का मतलब है कि ए के एसेट्स ज्यादा आ रहे हैं, ए की इन्वेंट्री में प्रॉफिट लोडेड है तो ए के एसेट्स ज्यादा शो हो रहे हैं। ए के एसेट्स ज्यादा शो होने का मतलब है कि ए के नेट एसेट्स ज्यादा शो हो रहे हैं, और ये शो कर रहा होता है हमारा ए के नेट एसेट्स में हक। तो अगर उसके नेट एसेट ज्यादा शो हो रहे हैं तो फिर हमारा हक भी ज्यादा शो हो रहा है, तो यहां से माइनस कर दें, यहां से माइनस कर देंगे, तो वो 600 रुपए यहां से माइनस करेंगे और रिटेन अर्निंग से तो माइनस करना ही है। अब अगर किसी को भी ये गहरी बात समझ आई, अगर किसी को भी, जिस किसी को भी आई, एक कदम और गहरा, इसमें तो पूरा 1500 नहीं शामिल, यस में भी 600 शामिल है। अब पी सेलर है, इसमें पूरा 1500 शामिल है कि 600 शामिल है? तो यहां से तो 1500 ही माइनस होना चाहिए, लेकिन ये है ही सिर्फ 40% को रिफ्लेक्ट कर रही चीज। हम यहां से नहीं कर सकते 1500 माइनस, जब यहां से कर ही सिर्फ 600 सकते हैं तो यहां से भी बस 600 ही माइनस करेंगे, है? बाकी तो मसला ही नहीं ना, जब है ही सिर्फ 600, हम ये चीज है ही सिर्फ 40% ले रहे हैं, हम पिक्चर ही सिर्फ 40% देख रहे हैं। हाँ जी, क्या बता रहा था मैं? 600 तो बता ही रहा था, इसमें पूरा 1500 एडेड है, लेकिन हमने दूसरा फैक्ट जहां से लेस करना है वो पूरी पिक्चर है ही नहीं। जब वो पिक्चर ही 40% है तो इसलिए हम माइनस भी सिर्फ 600 ही कर सकते हैं, क्योंकि यहां से सिर्फ 600 माइनस कर सकते हैं तो हम फिर यहां से भी 600 ही माइनस करेंगे। तो चाहे पी सेलर हो चाहे ए सेलर हो, ट्रीट 1500 नहीं 600 को करना है, और चूंकि 600 यहां से माइनस ही करना है तो इस वर्किंग में इसकी जगह यही पक्की है, यूआरपी इधर आउटर से लेस होना है 1500 नहीं 600। एक इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट, अगर ए सेलर था तो पी की इन्वेंट्री से लेस, और अगर पी सेलर था तो ए की इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इन्वेंट तो है नहीं, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में से लेस कर देते, रिटेन अर्निंग में से 600 लेस, आउटर कॉलम में से, ये तो पक्का 600 यहीं से लेस, और 600 1500 नहीं 600, और अगर ए सेलर है तो पी की इन्वेंट्री से लेस, और अगर पी सेलर है तो इन्वेस्टमेंट, अगर ए सेलर है तो पी की इन्वेंट्री में से लेस, और अगर पी सेलर है तो इन्वेस्टमेंट ए में से यहां से लेस, और से पहले के दिमाग से निकले पीपी, अब क्या करें? पीपी का यूआरपी 40% लगा के अगर ए सेलर है यहां से लेस और पीपी से लेस, गुड्स थी तो इन्वेंट्री से लेस, पीपी है तो पीपी से लेस, और अगर पी सेलर है तो यहां से लेस। एडजस्टमेंट नंबर 4 और 6 पढ़ लें, एडजस्टमेंट नंबर 4 पूरी हो गई और 6 पूरी कर दी। लिखा हुआ, लिखा हुआ, 4 में बताऊं 6 में बताऊं? एडजस्टमेंट 4 में बताता हूं, एडजस्टमेंट 4 पेज 448, पहले मैंने बताया कैलकुलेशन ऑफ यूआरपी, इसका आंसर आया 1500 रुपए, इसका आंसर 1500 आ गया। उसके बाद पेज 449 क्या कहा है मैंने? पीज शेयर ऑफ यूआरपी, ये 600 हो गया।
हाँ जी एडजस्टमेंट 4 और 6 डन। ये याद बेटा याद ही करनी पड़ेगी, ये है पुरानी वाली मेहनत, ये वही सारे कॉन्सेप्ट हैं, बस थोड़ी सी जगह शक्ल बदल रही है इन्वेस्टमेंट एसोसिएट के लिए। तो वही जिन पे पहले 12-13 दिन लगाए मेहनत करके उन्हीं को अप्लाई करके दे रहा हूँ जी। अच्छा हम पी की रिटेन अर्निंग में से सिर्फ 600 लेस कर रहे हैं तो उसमें 900 आ रही हैं। ये ना यूआरपी के एडजस्टमेंट 2-fold एडजस्टमेंट है। कभी हमें ये देखना पड़ेगा कि चूंकि यूआरपी इन्वेंटरी में से लेस करना है इसलिए यूआरपी रिटेन अर्निंग में से लेस करना है। कभी ये देख रहे होंगे कि चूंकि रिटेन अर्निंग से लेस करना है इसलिए इन्वेंटरी में से लेस करना है। दोनों साइड देखनी पड़ेंगी। पी और एस जब एक दूसरे को बेचते थे तो इन्वेंटरी भी पूरी पूरी ग्रुप बैलेंस शीट में मौजूद है, पूरी पूरी 80% नहीं पूरी पूरी, और सेलर ने जो प्रॉफिट कमाया वो भी पूरा मौजूद है। चूंकि दोनों चीजें पूरी पूरी मौजूद हैं तो इसलिए पूरा 1500 दोनों जगह से लेस होगा। लेकिन अब ए ने पी को बेचा हो या पी ने ए को बेचा हो, एक चीज तो बाहर लग रही है पूरी पूरी मौजूद है, दूसरी पूरी मौजूद नहीं है। जैसे अगर ए ने पी को बेचा तो पी की इन्वेंट्री तो पूरी पड़ी हुई है ना, उस इन्वेंट्री में तो 1500 है कि उसमें 600 है, उसमें 1500 है, लेकिन ए की रिटेन अर्निंग पूरी यहां पर नहीं आ पा रही, सिर्फ 40% आ रही है। तो हम फिर एक चीज पूरी है वो एक अधूरी हो तो हम 1500 एडजस्ट नहीं कर सकते, मजबूरी है ना, दूसरी साइड अधूरी है। जब दूसरी साइड अधूरी है तो हमें इसको भी फिर 1500 लेस नहीं कर सकते, हम 600 लेस करेंगे। और इसकी भी वजह है, हम पी और एस को पूरा पूरा कंसोलिडेट कर रहे थे, एक पूरी फिगर इन्वेंटरी में शामिल है, पूरी फिगर रिटेन अर्निंग में शामिल है, दोनों जगह से निकाल लें। हम यहां ए को पूरा कंसोलिडेट ही नहीं कर रहे, हम ए की इक्विटी का ले ही सिर्फ 40% रहे, तो उसमें जो शामिल है उतना ही इन्वेंटरी से निकाल सकते हैं। नहीं ओवरस्टेट हुआ ना, ग्रुप का कॉन्टेक्स्ट देखे ना, ग्रुप के अंदर दो साइड्स हैं एसेट्स और इक्विटी लायबिलिटीज। पी और एस आपस में दूसरे को बेचते थे तो चाहे पी बेचे चाहे एस बेचे, पूरी पूरी इन्वेंटरी मौजूद है, पूरी पूरी रिटेन अर्निंग मौजूद है, दोनों में से 1500 लेस होगा। लेकिन ए और पी के होने की वजह से पूरी इक्विटी मौजूद नहीं है, ए की सिर्फ 40% इक्विटी मौजूद है, तो उसी में जो खराबी है बस अब उसी का दूसरा फैक्ट इन्वेंटरी में ले सकते हैं, तो इसलिए इन्वेंटरी में से हम सिर्फ 600 का फैक्ट दे रहे हैं। ए की इन्वेंटरी नहीं है, ए के नेट एसेट सिर्फ 40% नजर आ रहे हैं, तो सिर्फ उसी के अंदर जो खराबी है वही रिटेन अर्निंग से लेस कर सकते हैं। 4-6 और एडजस्टमेंट नंबर 1 ये है कि जिस तरह सब्सिडरी में किया था कि अगर पेरेंट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है प्लांट मशीनरी, सब्सिडरी कॉस्ट मॉडल पे है, जो क्वेश्चन 13 भी कहा था मैंने, तो सब्सिडरी को भी हम रिवैल्यू करेंगे। तो इसी तरह यहां पर भी अगर पी कॉस्ट मॉडल पे, रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, एसोसिएट कॉस्ट मॉडल पे है, तो हम एसोसिएट की भी रिवैल्यूएशन करेंगे और उसके भी अदर रिजर्व यहां लेंगे। जिस तरह सब्सिडरी में खुद से पॉलिसी चेंज की थी एसोसिएट में भी करेंगे। जिस तरह सब्सिडरी में एक एडजस्टमेंट की थी कि पी पेरेंट फाइफो पे है सब्सिडरी वेटेड एवरेज पे, तो एसोसिएट को भी फाइफो पे लाना पड़ेगा, उसकी भी एक एडजस्टमेंट होगी। चलो सवाल में लिखा हुआ है कि एसोसिएट को अगर हमने इनकॉर्पोरेट करना है तो उसकी फाइफो की इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट 4000 पे बढ़ती है, स्टॉक 4000 बढ़ाना है, तो एक इन्वेंट्री तो है ही नहीं कहीं, इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे और रिटेन अर्निंग में ऐड कर देंगे। हाँ 4000 का 40% यहां ऐड कर देंगे और यहां ऐड कर देंगे। हाँ इधर ही है अदर रिजर्व में, अदर रिजर्व रिटेन अर्निंग और यहां यही एडजस्टमेंट। अच्छा एक सवाल होमवर्क तो आपका करना बनता ही है, एक सवाल होमवर्क पास पेपर का सवाल, अगर ये सवाल जो आप दे रहा हूं ये आपने कर लिया तो एसोसिएट हो गई, क्योंकि एसोसिएट की मैक्सिमम एडजस्टमेंट इस सवाल में है। उससे पहले 1 लाइन 2 लाइन एडजस्टमेंट है, बस इसमें 3-4 एडजस्टमेंट है, यही सारी जो डिस्कस की है, जो सवाल होमवर्क दे रहा हूं इसमें एसोसिएट की मैक्सिमम एडजस्टमेंट है। अगर आपने ये कर लिया तो डन हो गया एसोसिएट। फिर भी अगर आपको इस सवाल के करने के बाद कल लगा कि नहीं एक सवाल और, तो मैं एक सवाल और बोर्ड पर कर दूंगा पास पेपर का, लेकिन जो एसोसिएट का सवाल हुआ करेगा ना वो असल में सब्सिडरी का सवाल होता है, असल में मुश्किलें सारी सब्सिडरी वाली होंगी, एसोसिएट को 1-2 लाइनों की एडजस्टमेंट होगी बस। यानी अगर कोई स्टूडेंट एसोसिएट इन केस कह रहा हूं छोड़ता भी है तो 18 नंबर के सवाल में मुश्किल से 2-3 नंबर एसोसिएट के हैं, बाकी तो 15 नंबर वही कंसोलिडेशन है। आप कराइए पेज 468, लेकिन ये करना जरूर है यार, और ये मेनली पेरेंट सब्सिडरी ही का एक सवाल है, एसोसिएट की तो एडजस्टमेंट होती है। पेज 468 क्वेश्चन नंबर 10, ये ऑटम 21 का सवाल है।
रीसेंट इनकम स्टेटमेंट का आया था अभी रीसेंट वाला, तो वो इनकम स्टेटमेंट के साथ कराऊंगा। बैलेंस शीट का ये आखिरी सवाल था। और अभी तक अगर एक पैटर्न बनाने की कोशिश करें, जो कि इतना अच्छा पैटर्न नहीं है, लेकिन कुछ पैटर्न अगर जबरदस्ती मैं आपके सामने रखूं भी, तो एसोसिएट आया था सिलेबस में ऑटम 19 में। तो ऑटम 19 में सवाल आया इनकम स्टेटमेंट का, स्प्रिंग 20 में आया बैलेंस शीट का, ऑटम 20 में आया इनकम स्टेटमेंट का, स्प्रिंग 21 में आया बैलेंस शीट का, ऑटम 21 में फिर बैलेंस शीट का आ गया, इसलिए स्प्रिंग 22 में इनकम स्टेटमेंट का आया था सवाल। तो एक अटेम्प्ट ने ये रूटीन खराब कर दी, वरना अभी तक रूटीन ये बन रही होती फिर कि ऑटम में बैलेंस शीट का सवाल और स्प्रिंग में इनकम स्टेटमेंट का सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कहां है होमवर्क? एसोसिएट की इनमें से मुश्किल से 3 नंबर की एडजस्टमेंट है, मेनली ये पेरेंट सब्सिडियरी का सवाल है, करना है। ठीक है, अल्लाह।